तो दोस्तों ये रहा मेरा मेहमान रेनॉल्ड डस्टर और मैं पहुंच गया करोलबाग। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके सीट कवर फटे हुए हैं, तो आज सारा काम उन्हीं का होना है। और मैं यहाँ पे प्रमोद भाई की शॉप पे, ये करोलबाग के अंदर है प्रमोद कार सीट कवर एंड एक्सपीरियंस। कुछ ज्यादा कंडीशन खराब नहीं है इनकी? हाँ, ज्यादा खराब है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका मैन एफ एक्सप्लोर। दोस्तों मैं लाया आपके लिए एक और नई वीडियो जो अपने इस वाले मेहमान के ऊपर। और आज इस वाली वीडियो में हम इसके अंदर करवाने वाले थोड़े से काम। काम क्या करवाना है? सबसे पहले तो इसका सीट कवर चेंज करवाना है जो पूरा का पूरा फटा हुआ था, और अंदर से ही मतलब थोड़े बहुत काम करवाने। बाहर से तो मैंने इसकी डिटेलिंग करवा दी थी, पेंट तो अभी भी देखो कितना बढ़िया है इसमें आपको वीडियो में दिख रहा होगा, लेकिन जो इसकी सीटें थी वो रखी थी बहुत ज़्यादा गंदी। मैंने उसके ऊपर उनसे ड्राई क्लीन नहीं करवाई थी क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें करवानी थी चेंज, और इसका स्टेयरिंग रैप वगैरह भी करवाना है मुझे इसके अंदर। तो इसीलिए मैं आज इसको लेकर जा रहा हूँ करोलबाग, और इसके अंदर ये छोटे मोटे सारे के सारे काम मैं क्लियर करवाऊंगा। अगर आपके पास कोई कार है, नई है या पुरानी है, उसके अंदर आपको इसी तरीके का कोई काम करवाना है, सीट कवर का या मैटिंग का या जो भी मैं आज इसमें काम करवाने वाला हूँ, वही अगर आपको सारे काम करवाने हैं तो इस वाली पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको काफी ज्यादा हेल्प इस वाली वीडियो से आज मिलने वाली है। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इस तरीके से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, जल्दी से जाते हैं करोलबाग और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों मैं पहुंच गया करोलबाग प्रमोद भाई की शॉप पे, और यहाँ पे चलते पहले शॉप के अंदर। प्रमोद भाई कहाँ है? और आपका नाम क्या है? आप प्रमोद भाई? अच्छा, आपके भाई है, और कैसे हो? सो भैया, ये मैं अपनी कार लेकर आया हूँ डस्टर, मुझे इसके सारे सीट कवर वगैरह चेंज करवाने हैं, और मतलब जो इसमें इसमें लगे हुए हैं वो कंपनी वाले ही हैं और थोड़े फट गए हैं। तो वो कपड़े वगैरह जो होते हैं आप लगाते हो, तो कपड़ा वो जो भी होता है आप मुझे दिखाओ, आपके पास कौन कौन से? मयूर का कपड़ा मिल जाएगा भाई आपको लगाना चाहिए। मयूर? तो ये कौन सा है? नापा में मिल जाएगा। ये क्या, साका? साका नापा के अंदर। साका नापा, कोरियन नापा आपके लिए मिल जाएगा। अच्छा, ये कोरियन नापा। नई चीज आई है, आप देखिए। चाहिए अभी अभी आएगा? पापड़ी नहीं छोड़ेगा, हीटिंग नहीं करेगा कपड़ा। अच्छा, और मजबूती पूरी है, इसको फाड़ दो सीट और फिर ये गारंटी है। इतना मजबूत है? हाँ, इतना मजबूत कपड़ा है। तो ये महंगा होगा फिर? हाँ, थोड़ा कॉस्टली कर दिया। और डिजाइन वगैरह? डिजाइन आपको हमने फैक्ट्री से दिखा दिया। तो फिर फैक्ट्री चलेगा? हाँ बिल्कुल, मुझे फैक्ट्री चलो, आप बोल भी जाना पड़ेगा जो आपका डिजाइन सेटल करते हो, बाकी पसंद करते हो आप, यस करो मैं तैयार ज्यादा से। चलो फिर आओ फैक्ट्री चलते हैं। तो भाई यहाँ पे सारी सीटें निकल गई भैया, ये करके आ रहे हो, फाड़ रहे हो सीटों को? ऐसे ही होता है बकेट फिट? तो ये पूरा कवर उतरता नहीं है? अच्छा, ये फाड़ ही दिया पूरा। ये जो रॉड है यहाँ पे, ये किसके काम आती है? तार किसमें? सीट कवर में लगते हैं। अच्छा, तो कुछ ज्यादा कंडीशन खराब नहीं है इनकी? हाँ, ज्यादा खराब रखते हैं। यहाँ पे भैया को इसकी सीटें फाड़ने देते हैं, और मैं और आप चलते हैं एक बार जहाँ पे इसकी डिजाइन मुझे सिलेक्ट करनी है। दिखाओ यार डिजाइन, दिखाओ पहले, वही सिलेक्ट करना है। ये किस कार के हैं? वैगन आर में इतने हैवी सीट कवर? आपको मैं और चीज दिखाता हूँ अभी, जैसे हमारे लड़कों ने सीट और तैयार करके रख रखे हैं वैगन आर के, बाकी हमारी लड़के सिलाइयाँ कर रहे हैं, दिखा देता हूँ आपको। ये किसका कवर बना रहे हैं यहाँ पे? स्विफ्ट का ही तैयार हो रहा है। अच्छा, ये स्विफ्ट का है? हाँ जी, स्विफ्ट का तैयार हो रहा है। ये तो कुछ अलग सी चीज लग रही है। अच्छा 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 जब ये आप कह रहे थे घंटे में सीट कवर ओके, पंच का ही। अच्छा, ये पंच का है, फिनिशिंग चेक कर सकते आप बिल्कुल। तो ये कौन सा वाला कपड़ा है? ये अपना नापा लेदर के अंदर है। अच्छा, ये नापा लेदर में? और ये पीछे इस वाली साइड में किसकी सिलाई चल रही है? ऐसे भी लोग लेते हैं? हाँ, लोग लेते हैं नॉर्मल सीट वर्क, कोई बंदा बोलता मेरे सीटें नहीं फाड़नी, तो हम नॉर्मल तैयार कर देते हैं। तो ये सस्ते होते हैं क्या? हाँ, ये थोड़ा सस्ते होते हैं, 2500 की रेंज में होते हैं। ये 2500 में? 2500 की रेंज में होते हैं, 2500 की रेंज में होते हैं भाई। 2500 में कपड़े नहीं आते हैं, सीट कवर मिल रहे हैं बिल्कुल भाई।
तो जैसे मैंने सिलेक्ट करा था बिल्कुल सिंपल डिजाइन, तो ये मतलब अगर मैं कोई डिजाइन मतलब ऐसे रखता कि कुछ अलग अलग चाहिए तो उनके भी यही फर्मे होते हैं अलग होते हैं उनके? नहीं नहीं यही फर्म होता है, पर डिजाइन हमको देना पड़ता है, अच्छा ऊपर से डालनी पड़ती है, तो उनका इससे कोई मतलब नहीं है? नॉर्मल शॉपकीपर का। अरे प्रमोद भाई कैसे हो, बड़ा सुना यार आपके बारे में, बड़ी की कृपा है बहुत। इन्होंने बताया मुझे तो फैक्ट्री, आपने तो बताया भी नहीं फैक्ट्री है। बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे आपको। तो भैया शुरू कर दी कटिंग आपने, तो ये इससे क्यों काट रहे? अच्छा 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 भाई, तेरी भाई पूरा जोर लगा रहे हैं, कट मारने में जोर लगा रहे भाई, ये नहीं कटेगा भैया। ये थोड़ा सा टुकड़ा मुझे दिखाना, काट देना इसे, फाड़ना करो इसे, जितना मर्जी कर लो भाई, फट गया तो सीट और फिर मैं पीछे हो जाता हूँ, कहीं मेरे में घुसा मार दो भाई, मैं नहीं खींच रहा, आप दिखाओ भाई, आपने ये खींचा और उसके बाद भी ये मुड़ा नहीं है पूरी। भैया वहाँ पे शिद्दत के साथ कटिंग करने में लगे हुए, तो नहीं भी कटिंग करने देते हैं वहाँ। तो ये यहाँ पे फॉर्म का जो प्रोसेस है ये यही भैया करते हैं, तो ये मेरी डस्टर वाली है ना, आपकी डस्टर, मैंने तो बस आइडिया लगाया था ब्लैक कलर से। तो भाई इस वाली साइड में चल रहा है सीट कवर का काम, वहाँ पे भैया उसको टाइट कर रहे हैं, और यहाँ पे स्टेयरिंग कवर का काम चल रहा है, स्टेयरिंग रैप हो रहा है यहाँ पे। और अभी अपने स्टेयरिंग की अगर मैं आपको हालत दिखाऊँ तो कुछ ऐसी है, पूरा घिस चुका है, कार सेकंड हैंड है ये तो आप सभी जानते हो, बाकी अगर इसके अंदर नई जान डालनी तो ये सब चीज़ तो करवानी पड़ेगी। सो भैया ये क्या हिसाब रहता है इसका, मतलब ये पूरा अंदर तक बंधता है या खुलता है पूरा, कैसे? नहीं, जैसे कंपनी लगा के देती है ना आपको वैसा बनता है, बिल्कुल सेम टॉप मॉडल में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कपड़े वगैरह का भी कुछ फर्क होता है इसमें? मतलब जो मर्जी लग जाता है, वैसे बढ़िया कौन सा होता है इसमें? बढ़िया आपका यही साखा और नापा यही चलता है आपका। अच्छा, तो पपड़ी वगैरह? कपड़ी वगैरह तो आपका उखड़ता नहीं है, इस समय टॉप मॉडल में भी यही कपड़ा लग गया था जो लगाने जा रहा हूँ। चलो बढ़िया है, तो ये कैसे लगेगा? ये पूरा लगेगा ऐसे जाके आपको फोल्ड होगा यहाँ से, आप दिखाओगे मुझे? जी करना आप। ये प्रमोद भाई के यहाँ पे आप यही स्टीयरिंग का और का भी काम देखते हो सारा? स्टीयरिंग का। हाँ मतलब ये स्टीयरिंग का ही या और भी देखते हो कुछ? नहीं स्टीयरिंग का, खाली स्टीयरिंग, मतलब प्रोफेशनल है स्टीयरिंग के? ऐसे करके आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे भैया को स्टीयरिंग रैप करने देता और अब हम चलते हैं पीछे, जहाँ पे अपनी सीट के ऊपर कवर चढ़ रहा था। सो यहाँ पे अपनी दो सीटें तो फाइनल हो गई हैं और ये कुछ ऐसी बनकर आई हैं, ये देखो यहाँ पे। बाकी जब ये फिट हो जाएंगी और मैं अच्छे से जब आपको दिखा दूंगा, लेकिन अगर आपको इसकी मैं फिटिंग दिखाऊं तो बिल्कुल एक्यूरेट है, और जब ये अंदर जब फिट हो जाएंगी गाड़ी के अंदर जब देखेंगे कैसा रिस्पांस निकल कर आता है। बाकी यहाँ पे तो अभी ये रखी हुई है तो काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, तो मतलब मज़ा आ रहा है देख करके इनको, और मैंने बिल्कुल इनको सिंपल रखवाया है यहाँ पे, कोई भी डिज़ाइन नहीं लगवाई है, और उसका मेरा पर्सनल रीज़न था ना लगवाने का। बाकी अगर आप लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, मुझे कार अंदर से मतलब ये चीज़ें ना थोड़ी सिंपल अच्छी लगती हैं, ज़्यादा उसमें एक तरीके से बोलें कि उंगल फेच करवाना मुझे पसंद नहीं है, साफ सी इसी बात है। सो मैं चाहता हूँ चीज़ें सिंपल हो, बाकी सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, आप डिज़ाइन भी डलवा सकते हैं। सो भाई यहाँ पे फाइनली अपना जो लास्ट सीट कवर था वही बचा है, ये बैक वाला, और ये ड्राइवर साइड वाले ही है ना? अच्छा ये कंडक्टर साइड वाला, ड्राइवर साइड वाली फिर ये होगी। सो यहाँ पे ये देखो फिटिंग यार इसकी, आपको पास से दिखाता हूँ अच्छे से, बाकी भैया को इसकी फिटिंग करने देते हैं और अभी देखते हैं इसमें और कितना टाइम लगने वाला है। जैसा भैया ने बोला था कि एक डेढ़ घंटे में हो जाता है, सो हाँ ये तो है, दो घंटे लगने वाले हैं मुझे, आधा घंटा ऊपर चला गया, बट कोई बात नहीं यार, आधा एक घंटा ऊपर चल जाता है। सो यहाँ पे भैया को काम करने देते हैं। तो भाई फाइनली अपनी कार हो गई कंप्लीट, और यहाँ पे जो मैट गिरने थे वो भी गिर गए, सीट कवर यहाँ पे भैया ने सारे लगाई दिए थे, कर्टन्स भी यहाँ पे सारे मेरे लगी गए, एक ये वाला, एक ये रियर डोर में, और ये सिक्स पीस का आया था, एक ये भी है, उधर के भी दोनों डोर्स में लग गए हैं, पीछे वाले मिरर में भी। मतलब मैंने इसके अंदर इतनी फिल्म्स उतारी थी, वो जो सीसों पे लगी हुई थी, जो इसने इसको जेड ब्लैक बना रखा था बाहर से, वो सारी चीज़ें मैंने अब कर्टन से कवर कर दी, अभी हो चुकी है रोड लीगल, अब हम इनको रख भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इनसे हमें कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैंने ये सारे लगवा लिए। और इनसे फायदे बहुत होते हैं, इनका फायदा सबसे बड़ा तो यही है कि एसी सही कूलिंग करता है, दिन में धूप ज़्यादा अंदर आती नहीं है, तो इसलिए मैंने सारे कर्टन्स यहाँ पे लगवा लिए हैं। और कहीं अगर इस सीट के रिस्पांस की बात करें तो यहाँ पे जो इनकी फिटिंग आई है बिल्कुल एक्यूरेट आई है, कहीं से भी अनइवन नहीं है, थोड़े बहुत यहाँ पर है, लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और वहीं अगर मैट्स की बात करें तो मैट्स भी यहाँ पे 70 लगी गए, मैट्स की अगर क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी जगहों पर मैंने देखा बहुत अजीब अजीब से आते, लेकिन यहाँ पर इनकी फिटिंग भी बिल्कुल ठीक बैठ गई है, और ये यहाँ से खुल के, और हम इसकी सफाई भी कर सकते हैं, हमें बस इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के खींचना और ये पूरा खुल जाएगा,
तो इस तरीके से हम इसकी सफाई कर सकते हैं, काफी इजी रहता है इसको यूज करना। और मैंने पूरा इंटीरियर इसका ब्लैक करवाया क्योंकि डैशबोर्ड भी इसका ब्लैक है, इसीलिए मैंने इसकी सीटें भी सारी ब्लैक रखी हैं। और यहाँ पे ये सीटें ब्लैक, और ये जो 70 मैट है यहाँ पे भी कोई स्टिचिंग आपको व्हाइट कलर की नहीं दिख रही होगी, मैंने ये सारी ब्लैक कलर में ही रखवाई है क्योंकि ये भी बन जाते हैं अगर आपकी ऐसी कोई कार है जिसके 70 मैट नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रमोद भाई की शॉप पे आपको भी मिल जाएगा क्योंकि ये चीजें बनती हैं, तो जैसी कार है वैसा ये बन भी जाएगा। बाकी एक चीज मैं और दिखानी आपको भूल गया, और वो है इतना स्टीयरिंग रैप, ये इतना जेन्युइन कर दिया भैया ने कि मुझे लग ही नहीं रहा यार कि ये लगा हुआ है यहाँ पे। ये थोड़ा यहाँ पे मोड़ मार के सेटिंग करी है और ये पूरा अच्छे से हो गया फिट। इस स्टेयरिंग का टेक्सचर और ये जो सीट कवर का टेक्सचर है बिल्कुल सेम है, और मतलब हर चीज़ मैंने ब्लैक रखी है, मैंने किसी और कलर का यहाँ पे यूज़ नहीं करा है, जो इसके पूरे इंटीरियर से मैच भी कर रहा है। और अब नहीं लग रही है डस्टर, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम नई वाली बातचीत आ गई यहाँ पे। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको अपग्रेड कराने से कार में एकदम नई जैसी जान आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। बाकी सीट कवर तो आपने देख ही लिए थे, तो हो गई अपनी कार क्लियर, और अब चलते दीपक भाई के पास। तो दोस्तों फाइनली अपनी कार हो गई पूरी की पूरी कंप्लीट, उसके सीट कवर भी लग गए, उसकी कर्टन्स भी लग गई, स्टीयरिंग रैप भी हो गया, और वहाँ पे 70 मैट भी लग गए। 70 मैट लगाने का मेरा दूसरा रीजन था, उसकी डिस्कशन भी मैं भी भैया से करूँगा कि मैंने क्यों नहीं लगवाया, वो भी चीज़ें सारी क्लियर होंगी। अभी उसकी सीट की बात करें, जो सीट कवर थी ये, तो आपने ये चीज़ तो मेरी पूरी बहुत अच्छे से शॉर्टलिस्ट कर दी कि वहाँ फैक्ट्री में डिज़ाइन दिखाया पूरा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है। अच्छा इसका प्राइस क्या पड़ता है यार, ये सब चीज़ें तो मजबूत है, देखो मजबूत है तो चीज़ तो बढ़िया थी, तो इसका प्राइस क्या है? 600-500 के आसपास बस। हाँ जी, इतना सस्ता क्या भाई, तुम्हारा भाई को होलसेल का काम है, इसलिए देना पड़ेगा आपको कम से कम 6,500 रुपये के सीट कवर भाई। फिटिंग आपने वीडियो में दिखाई दी है, वो तो मैंने सब व्यूअर्स को दिखाई दी भाई, फिटिंग बहुत बहुत अच्छी आई है यहाँ पे, मैंने हाई डेंसिटी बहुत यूज करा था, और कह रहे थे वो बैठेगा नहीं, आपको जो फैब्रिक चाहिए आपको वो फैब्रिक मिल जाएगा, जो डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन मिल जाएगा, जैसा आप लेकर आओगे वैसा बन भी जाएगा। अब मैं यहाँ पे यार ये कैसे बोलूँ कि अगर कोई मेरा व्यूअर्स आ रहा है वीडियो देख के, तो आप उसको डिस्काउंट कर देना, भी ज़्यादा क्या डिस्काउंट करोगे यार? नहीं सर बिल्कुल, फिर भी डिस्काउंट पूरा डिस्काउंट है भाई, जो भी मेरी वीडियोज़ को देख रहा है और वो भाई के पास अगर आता है प्रमोद भाई या फिर यहाँ पे ये दीपक भाई के पास, आपको पूरा पूरा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यार इस रेट पे कहीं डिस्काउंट ठीक है यार? नहीं नहीं देंगे सर, देंगे भाई बोल रहे हैं तो भाई बिल्कुल देंगे, दूर से भाई आते हैं, क्वालिटी जैसी पसंद करें उस हिसाब से डिस्काउंट देंगे भाई। करोल बाग के अंदर इस प्राइस में चीजें मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और यहाँ पे वो सारी चीजें मिल रही है जो आपको चाहिए। अगर किसी भाई का बजट टाइट है तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हमारे जितने भी व्यूअर्स वाली वीडियो को देख रहे हैं, आप उन सभी को अपना एड्रेस बता दो कि ये करोल बाग में किस जगह पड़ता है। ये भैया करोल बाग में गुरुद्वारा रोड है, 95 नंबर शॉप है हमारी, ये हमारा कार्ड है, ये भैया का आइए और आपने मित्र को मिलाइए। मैं भैया का एड्रेस और भैया के नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, भैया को कॉन्टेक्ट कर लेना है, भैया का कार्ड है और ये प्रमोद कार एक्सेसरीज, ये भैया का ही नाम है, इन्हीं की ये शॉप है। तो दोस्तों मेरी कार के अंदर जो भी काम मुझे करवाने थे मैंने करवा लिए, थोड़े से काम बचे हैं जैसे म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड के बचे, एक तो लाइटिंग वगैरह बची है, वो मैं जब दोबारा आऊंगा जब मैं करवा लूंगा, आज तो यहाँ पे टाइम बचा नहीं। बाकी अब इस वाली वीडियो करते ही पर ये वीडियो कैसी लगी, यहाँ पे अपने सीट कवर कैसे लगे, भैया का काम कैसा लगा, और भैया के रेट कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी इस वाली वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ, जब तक के लिए हुआ है टेक केयर।